मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। फ्लोर मिल से आम मार्केट तक सस्ते दामों आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक पंजाब मुतहरिक। कीमतों में इजाफे और नाकिस इंतजाम पर 52 फ्लोर पॉइंट्स को शोकॉज जारी। 3 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। लाहौर डिवीजन 135, फैसलाबाद 15, सरगोदा 71, रावलपिंडी 147, गुजरांवाला में 39 मुकामात की चेकिंग की गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार, वजीर आजम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। बानी पीटीआई ने शिरकत की इजाज़त दे दी। कहते हैं मुल्क के खातिर एपीसी में जाएंगे, ऑपरेशन पर हुकूमत का मौकफ सुनेंगे। ऑपरेशन असल में इस महकाम पर तहफ़ुज़ात हैं, ऑपरेशन पर दहशत गर्द अफगानिस्तान भाग जाएंगे। अफगान तावुन के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की कुछ पार्टी ज़रूर उस एपीसी में हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे। जहाँ तक इलेक्शंस में धांधली की सिलसिला है, मैं ये बात को रद्द करता हूँ कि ये सबसे बड़ा धांधली इस इलेक्शन में हुआ है। धांधली का बेनिफिशरी का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना, मैं सब सख्त इख्तलाफ करता हूँ। सियासी मुखालफीन है, वो जीते या हारे उन्होंने रोना था। टैक्सेस से एतराज़ हैं कि जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजाफा। मेरा तो तजवीज़ ये होता कि ना सिर्फ आपके इत्तेहादियों के साथ मगर ऑपोजिशन के साथ भी आप जहाँ तक बजट के और मीशत के पॉलिसीज़ हैं उनको हम इंगेज करें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की एपीसी में शिरकत का ऐलान। पीपल्स पार्टी का वफ्द एपीसी में शिरकत करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौकफ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमराह क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा धांधली का सबसे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ, सियासी मुखालफीन जीतें या हारें उन्हें रोना ही है। गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। एपीसी पे बिल्कुल मशावरत हो रही है, इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है। जैसे ही फाइनल होगी और अजमे इस्तेकाम के हवाले से जो है वो एपीसी बुलाने पर मशावरत हो रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। तमाम जो है पोलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है। हुकूमत का बानी पीटीआई के फैसले का खैर मकदम, वजीर इत्तला'आत अता तारड़ बोले अल्लाह करे बानी पीटीआई अपने बयान पर कायम रहे। एपीसी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है, तमाम जमातों को शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शायद बानी पीटीआई बदल रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। बानी पीटीआई ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा जेल में मेरे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। पार्टी कायदीन इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी के ऐलान के बाद मुल्क गिर भूख हड़ताल होगी। आजादी चाहिए, इमरान खान के लिए लड़ोगे, निकलोगे, आजादी लोगे, फिरौनों को ना बस नाबूद करोगे, बार बार करोगे। मैं आपको हल देता हूं, मुझे कलमे की कसम है कि इस तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा आपसे पहले। आज़ादी की तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा, वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा इन चोरों और डाकुओं को निकालेंगे, घसीटेंगे, हमारे और मैंडेट चोरों के दरमियान मत आओ। बानी पीटीआई एक आवाज़ देगा, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी,
जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, आईन तोड़ने वालों को फांसी देंगे। टैक्स की इस्तेदाद रखने वालों को नेट में लाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर हुक्काम को हिदायत। कहते हैं करप्ट अहलकारों को सजा दी जाएगी, डाका डालने वालों को माफ नहीं करेंगे, अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकेंगे। आवाम को एक और झटका, हुकूमत ने आज फिर बिजली महंगी कर दी। बिजली फी यूनिट 3.32 रुपए महंगी, कीमत में इजाफा मई के महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर किया गया। नेप्रा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में लेस्को हुक्काम की फिर दो नंबरी, लाखों प्रोटेक्टेड सार्फीन को मुबजना ओवर बिलिंग, 200 से कम यूनिट वाले सार्फीन को 200 यूनिट से जायद के बिल इरसाल। प्रोटेक्टेड कैटेगरी बदलने से करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा, एफआईए एंटी करप्शन सर्कल लाहौर हरकत में आ गया। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल आईटी से बिलिंग का डेटा और तफसीलात तलब। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दे रखा है। अमरीकी सफारत खाने को बिजली का भारी बिल मौसूल, इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने बिजली के 6 बिल जमा नहीं कराए। अमरीकी सफारत खाने के जिम्मेदार आइस्को के 12 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। आइस्को की अमरीकी सफारत खाने को तमाम बिजली बिल फौरी अदा करने की हिदायत। बिजली के 27 सार्फीन के लिए एनर्जी रिलीफ, 100 नहीं 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर मिलेगा। पंजाब हुकूमत 200 से 500 यूनिट वाले सार्फीन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्ज देगी। सोलर लगाने के लिए 75% रकम हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत रोशन घराना स्कीम पर इजलास, महकमा तवानाई ने अहकामात पर अमल शुरू कर दिया। ये 33 बसेस जो हैं ये ऑपरेशनल होने जा रही हैं और तकरीबन 16,000 के करीब लोग इस पर रोज सफर कर सकेंगे। टोटल जो है 160 बसें आनी है। हर बंदा जिसने इसमें काम किया है वो शाबाश का मुस्तहिक है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये 160 की 160 बसें जो हैं सड़क पे नजर आएंगी आपको। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त बसें आएंगी, वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया, कहते हैं इस्लामाबाद में 160 इलेक्ट्रिक बसें जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने का फैसला, सीडीए में पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी, आइंदा इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी, शहर इक्तदार में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले, हंगामी खिदमात आलमी मयार के मुताबिक बनाने का फैसला, एमरजेंसी सर्विसेज सीडीए को मुंतकिल होंगी। मोहसिन नकवी का सरीना चौक अंडरपास F9 पार्क चौक फ्लाईओवर पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का ऐलान। लाहौर में लंदन जैसे मज़े, ट्राम मंसूबे की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड पर ट्राम चलेगी। एमएम आलम रोड की रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एलडीए हेडक्वार्टर्स में इजलास। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। एलडीए के लिए 46 अरब रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर। क्रीम ब्लॉक ता मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। बरतानिया में 14 साल बाद तब्दीली, कंजर्वेटिव पार्टी का राज खत्म, लेबर पार्टी आ गई। केयर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। स्टार्मर का पहले खिताब में तब्दीली लाने का वादा, आम आदमी को ज़िंदगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। कहा हमारे मुल्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया, मुल्क को बटन दबाने से तब्दील नहीं किया जा सकता, मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेबर पार्टी की 650 के ऐवान में 412 नशिस्तें, कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121 नशिस्तें जीत सकी। बरतानवी इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनाक की काबीना के 11 अरकान नशिस्तें हार गए। वजीर दिफा और वजीर तवानाई भी अपनी सीटें ना बचा सके। साबिक वजीर आजम भी हार गए। ऋषि सुनाक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दी। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात में वजारत उज़्मा से इस्तीफा पेश किया।
ऋषि सुनाक का जल्द पार्टी क्यादत भी छोड़ने का ऐलान। कहा, आवाम ने वोट के जरिए गुस्से का इजहार किया, शिकस्त में सीखने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन बन गए। नौशाबा खान और जुबैर अहमद लेबर पार्टी के टिकट पर कामयाब। यास्मीन कुरैशी और अफजल खान तीसरी बार अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब। नाज शाह, रुजीना खान और साकिब भट्टी ने भी मैदान मार लिया। अदनान हुसैन ने 69 साल बाद लेबर पार्टी से सीट छीन ली। मुहर्रम के दौरान फिरकावारियत को रोकने के लिए बड़ा इकदाम। महकमा दाखला की पंजाब में आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश। सोशल मीडिया एप्स बंद करने की तजवीज़। 6 से 11 मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश का जायजा। वफाक ने सोशल मीडिया बंद करने पर वर्किंग शुरू कर दी। तेज रफ्तारी से क्यों रोका? लाहौर में साबिक एमएनए बर्जेस ताहिर का बेटा ट्रैफिक वार्डन से उलझ पड़ा। साकिब बर्जेस वार्डन को कुचलने की धमकियां देता रहा। शुमाली छावनी के करीब पेश आए वाकये की वीडियो भी सामने आ गई। एफआईआर दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। ईरान का नया सदर कौन? मसूद पज़शकियान और सईद जलीली में मुकाबला। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में वोट कास्ट किया। पहले मरहले में दोनों में से कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का फैसला। साइंसदान, डॉक्टर्स, हुनरमंद, मुहक्किकीन और कारोबारी शख्सियात अब सऊदी अरब के शहरी बन सकेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। शाही फरमान में कहा गया है कि मुनफरद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का मकसद मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वालों की हौसला अफजाई करना है। कारगिल जंग के शेर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आखिरी सांस तक मादरे वतन का दिफा करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश किया। 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब जमहूरियत पर शब खून मारा गया। 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मुल्क में 11 साल तक आमरियत मुसल्लत रही। आज इस मार्शल लॉ को इसराइल की दहशतगर्दी में मजीद इजाफा। गजा में फौजी पेशकदमी, टैंकों और ड्रोन से गोलाबारी में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावज कर गई। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं। और मसूद पज़शकियान ईरान के नए सदर मुंतखब। ईरानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मसूद पज़शकियान ने सदारती इलेक्शन में सईद जलीली को शिकस्त दी। इस्लाह पसंद मसूद ने 1,63,00,000 वोट लिए। सईद जलीली 1,35,00,000 वोट हासिल कर सके। ईरानी सदारती इलेक्शन में टर्नआउट 50% रहा।